क्या हो गया सर, कहाँ फंस रहे हो? मैम इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, मुझे प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए मुझे पोटेंशियल दिया गया है और मेरे से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता है या फोर्स पूछ लेता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे दिया एक्स वाई जेड का और ये चार्ज दे रखा है और कह रहा है कि इसका हमें फोर्स फाइंड करना है। अब मेरे को इस तरह के क्वेश्चन में पता नहीं लगता मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं। मैम मेरी हेल्प करिएगा। तो सर देखो, जब भी हमें ऐसे पोटेंशियल का फंक्शन दे देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बहुत सिंपल सा अपने पास एक फॉर्मूला है। अपन को सिर्फ सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपन को उसके लिए सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो भी आसान तरीके से। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर को हम नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी एक्स आई कैप प्लस डीवी बाय डी वाई जे कैप प्लस डीवी बाय डी जेड की कैप से सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है सर, एक पार्शियल डिफरेंशिएट होगा पोटेंशियल के फंक्शन का, वो क्योंकि वो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। तो जब मैं एक्स में डिफरेंशिएट करूंगी तो बाकी को कांस्टेंट मान लूंगी, वाई में करूंगी तो एक्स जेड को कांस्टेंट मान लूंगी और जेड में करूंगी तो एक्स वाई को कांस्टेंट मान लूंगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो सर फोर्स तो फिर क्यू इंटू ई से निकाल ही लेंगे। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देख लेते। तो आपका सवाल देखते हैं, आपका सवाल था ये वाला, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 माइनस 8 वाई आई कैप, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो बनेगा, ठीक है, इसमें एक्स है ही नहीं। इसके बाद प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो, यहां से माइनस एट एक्स और इसके बाद ये माइनस 8 यहां से मिलेगा और प्लस 6 जेड यहां से मिलेगा। तो ये मेरा हो गया जे कैप। इसके बाद और क्या बचता है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो, जेड यहां भी जेड नहीं है, ये जीरो यहां भी जेड नहीं है, ये जीरो, ये हो जाएगा प्लस 6 वाई के कैप, ठीक है। तो ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट की तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 और ये नेगेटिव चल ही रहा है आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 10 जे कैप, क्योंकि हम 1 रखोगे यहां 1 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 जे कैप और यहां 1 रखेंगे तो प्लस 6 के कैप। तो ये तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अब क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही सकते हैं, तो एक बार आप बताइए बच्चों को कि कैसे करना है। जब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो अब तो मैं कर ही लूंगा। इसमें क्या करना है, सिंपल सा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाली क्वांटिटी का स्क्वायर, तो आई वाली का, तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर है प्लस का 10, इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मैम इसको सॉल्व करेंगे 436, तो ये 2 root 140, तो 2 root 35 मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब तो सिंपल फोर्स निकालना है। मैम सिंपल सा क्या करूंगा, एफ इक्वल टू क्यू ई मेरा फॉर्मूला होता है, तो चार्ज मुझे गिवन है 2 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल ही लिया है, मैग्नीट्यूड जो उसका है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया मैम 2 root 35। आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 root 35। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारा आंसर होगा मैम यहाँ पर वो होना चाहिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी सर बिल्कुल। तो सर ये तो बहुत ही आसान था, मतलब एक फॉर्मूले से। और सर मतलब ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, एक और क्वेश्चन ऐसा है। तो सर पहले तो बच्चों को अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेने देते हैं, ठीक है। तो एक बार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और क्या सर एक क्वेश्चन अपन सर बच्चों को घर के लिए दे दें, तो पता चल जाएगा कि उनकी प्रैक्टिस कैसी हुई है, ठीक है। तो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन निकाल लो। देखो मैम इसमें होमवर्क वाला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो इसमें भी अपने को देखो सेम क्या दिया गया है, हमें पोटेंशियल दिया गया है मैम, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, हमसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पर। सिंपल सा आपसे कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो बच्चों को अब आप बताएंगे कि कैसे करना है, तो बच्चे समझ जाएंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अब आपको फोर्स तक भी नहीं जाना है, सिर्फ आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, जैसे सर ने सिखाया और जैसा मैंने सिखाया एकदम बराबर वैसा ही आपको करना है। और ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखो, ये भी नीट पीवाईक्यू है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी आई होप। तो ऐसी और भी अच्छी फिजिक्स के ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप वीडियो में कॉमेंट करके अपना आंसर तो लिखोगे, उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।